ये एक अजीब सा मतलब प्यारा सा ट्रेडिशन है, क्या बोल, पूजा का नाम बताना है, मैं भूल जाता हूँ। थोंग एक पूजा होता है एक हफ्ते के लिए मिश्मी ट्राइब में, आप लोग उसमें ही है, मिजो मिश्मी में थोंग करके एक पूजा होता है। उसको जब कोई बुलाता है तो एक धागा, इस तरह का जो धागा आप देख रहे हो, ये धागा देते हैं। इसमें गांठ बनी हुई है बहुत ज़्यादा, तो अगर सपोज 25 दिन बाकी है फंक्शन को तो 25 गांठ होगी। तो कुछ लोग इसको याद भी कर सकते हैं, कुछ इसको दाऊ से काट काट के हर दिन एक गांठ को काट देते हैं ऐसे, फिर जब लास्ट बताएगा तो पता चल जाएगा कि आज जाना है बोल के। तो पुराने ज़माने से ट्रेडिशन चलते आ रहा है। तो आप किसी भी टिपिकल घर पर जाएंगे अगर गाँव में, तो आपको ये टंगा हुआ मिलेगा हर जगह, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ इनविटेशन आया है उस पूजा का। शादी में तो ये नहीं यूज़ करते ना, शादी के लिए तो ये नहीं होता है, एक पूजा के लिए होता है। काफ़ी बड़ी पूजा होती है एक हफ्ते की, फिर उसमें ये गांठ जो बनाई हुई है, अमेजिंग ट्रेडिशन है यहाँ का। तो एक पूजा उसमें भी होता है, क्या बोलते हैं ईद उमिशमी में, कि एक हर एक जन्म में मतलब एक बंदे को एक पूजा करना पड़ता है, उस लड़का लोगों को उसमें 100 मिथुन, कितना मिथुन करना पड़ता है साला, सबको खिलाना पड़ता है। ऐसा कुछ आपका इसमें भी है? मतलब कोई जन्म होने से? नहीं नहीं, मतलब लाइफ में एक बार एक हर बंदा को करना पड़ता है, उसमें अपना मामा मामा मतलब सबको खिलाना पड़ता है, और जितना मिथुन खिलाएगा उतना ही नाम होता है। उसने 300 काटा, उसने 200 काटा, ऐसा करके एक बार तो करना ही पड़ता है जिंदगी में एक। आपके सेम तो वही पूजा का बात बोल रहा था क्या आप? ये वही सेम है संपत्ति? ओके, क्या क्या होता है मिस्मी सामान? कुछ भी बेचने वाला चांदी लोग होता है ना, चांदी यूज करता है, ये मिस्मी सामान होता है ना, गहना वगैरह। हाँ वही तो देखना है, दिखाओ।